कुक के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कॉर्न पनीर बनाना सीखेंगे जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे बहुत आसानी से घर पे बना सकते हो, इसको बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रीडियंट की जरूरत पड़ती है। लेट्स स्टार्ट। कॉर्न पनीर बनाने के लिए हमने एक कप कॉर्न लिया, एक कप पनीर लिया जिसको मैंने काट लिया है, ये मैंने एक अनियन, जिंजर और दो गार्लिक, दो चिली की प्यूरी बना ली है, ये मैंने एक बड़े टमाटर की प्यूरी बनाई है, ये मैंने हाफ कप दही लिया है, योगर्ट, करी बनाने के लिए हमने 30 ग्राम बटर लिया है, मसालों में हमने हाफ टेबल स्पून जीरा लिया है, क्यूमिन सीड, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है, टर्मरिक पाउडर, नमक हम स्वादानुसार यूज करेंगे, 1/4 टेबल स्पून ऐसे फटीडा या हींग। चलिए देखते हैं कॉर्न पनीर कैसे बनाते हैं। कॉर्न पनीर बनाने के लिए हमने एक पैन लिया, उस पैन में ये हमने 30 ग्राम बटर डाला, बटर के अच्छे से हीटअप हो जाने के बाद हम ये क्यूमिन सीड्स इसमें डाल देंगे, क्यूमिन सीड्स को अच्छे से रोस्ट करेंगे। अब इसमें ये ऐसे फटीडा या हींग डाल देंगे। अब हम ये अनियन, गार्लिक और जिंजर की प्यूरी इसमें डालेंगे। अनियन की प्यूरी के साथ में ये हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, साथ में ही हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक से मसाला जलेगा नहीं, नमक हम स्वादानुसार डालेंगे। जब ये मसाला हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। ये अनियन और गार्लिक अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, ये अच्छे से भुन गया है, हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है ये मसाला। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद फिर इसे हमें 2-3 मिनट तक और पकाना है। अब ये टमाटर भी अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें ये दही डाल देंगे। ये दही बिल्कुल खट्टी नहीं है, आप इसमें सादी दही का यूज करेंगे जो कि बिल्कुल खट्टी ना हो। और साथ में थोड़ा सा पानी या दूध आप डाल सकते हैं और इसको कंटिन्यू चलाना है। दो से तीन मिनट के बाद हम इसमें ये कॉर्न डाल देंगे। और कॉर्न के साथ में ही हम ये पनीर के टुकड़े इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे या दूध। अब ये कॉर्न पनीर सर्व करने के लिए तैयार है। कॉर्न पनीर बनाना बहुत ही आसान है, आपने इसे बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। अब आप इसको बना करके ट्राई जरूर करिएगा और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा।
कि आपको ये कैसा लगा और आपका अगर कोई सुझाव है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लाती रहूंगी। ओम शांति।